Hey guys, this is Khurapati Bros and welcome back to my channel. तो guys, आज हम करने वाले हैं Python 357 six round lighter revolver की unboxing, जो कि यहाँ रखा हुआ हमारे सामने. तो guys, एक view देते हैं आपको box का, फिर करते हैं unboxing. यहाँ पे लिखा हुआ Python 357, यहाँ पे भी Chinese में कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे lighter, यहाँ पे लिखा हुआ Python, सेम चीज यहाँ पे भी है guys, यहाँ पे भी आपको सेम चीज मिलेगी, यहाँ पे भी सेम चीज है. गाइस कर लेते हैं बॉक्स को अनबॉक्सिंग. इस तरह से टेंटेड है, तो गाइस ये आ गया हमारा बाहर. गाइस यहाँ पे हमको क्या क्या मिल जाता है वो आपको पहले बता देता हूँ. यहाँ पे हमको सबसे पहले मिलने वाला है स्टैंड कुछ इस तरह का है. ये पूरा का पूरा प्लास्टिक का बना हुआ स्टैंड जो है. आपको यहाँ मिलने वाले हैं 6 बुलेट्स गाइस, इसलिए कि आपको एक रियल फील आए, बुलेट जो है फायर नहीं होती, प्लास्टिक के बुलेट्स हैं. और यहाँ पे आपको मिलने वाला है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का एक बिग साइज का रिवॉल्वर. तो गाइस देखें आप, क्रोम की पूरी फिनिश है. यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन 357 मैग्नम क्रोम के फिनिश है गाइस. साइज जो है काफ़ी बड़ा है. साइज की हम बात करें तो आपको साइज बता देते हैं, क्योंकि वीडियोस पे गाइस अक्सर ऐसा होता है कंप्लेंस की साइज पता नहीं चल पा रही है. तो यहाँ से हमने स्केल का यूज किया और साइज आप देखेंगे अराउंड 18 सेंटीमीटर का है, 18 सेंटीमीटर का है ये, तो काफी बड़ी साइज है. और वेट की हम बात करें तो गाइस वेट जो है इसका तकरीबन 450-450 ग्राम का है. यहाँ पे हम बुलेट्स भी लोड कर सकते हैं. बुलेट जो हमें साथ में मिले हुए हैं, उस बुलेट्स को लोड ऐसे करना है गाइस, सिंपली इसको बाहर करना है. यहाँ पे जो जगह बना हुआ है इसमें हमें बुलेट्स को उस तरह से लोड कर देना है गाइस. जैसे कि मैंने बताया, बुलेट जो है बाहर नहीं आते हैं कभी भी. इसको वापस आपको प्रेस कर देना है. प्रेस करने के बाद आपको फायर करना है. ये इसका हैमर है, ट्रिगर है. क्वालिटी जो गाइस बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है. यहाँ पे सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है कि बिल्कुल एक रियल फील मिले आपको. पहले जो लाइटर्स आती थी काफ़ी छोटी छोटी साइज की लाइटर्स होती थी, ये काफ़ी बड़ी साइज की. इसको आपको पास में रखेंगे गाइस तो कोई ये नहीं कह सकता कि आपने एक लाइटर रखा हुआ है. जो भी देखेगा वो यही कहने वाला है कि आपने जो एक रिवॉल्वर रखी हुई है. क्रोम की फिनिशिंग है सबसे अच्छी बात है, क्रोम की फिनिशिंग है, ग्रिप काफ़ी अच्छी है इसकी. और गाइस आपको बता दूं, ये जो है मेटल का नहीं है, पूरा का पूरा प्लास्टिक है. इसमें मुझे कहीं पर भी मेटल नहीं लगा. और गाइस जो है सिंपली आपको बुलेट लोड करना, मैंने बताया, मैं आपको फिर बता देता हूँ बुलेट जो इसमें डालना है. बुलेट डालने के बाद जो है इसको आप सिंपली इसको पीछे करने के बाद ऐसा दबा देना है और फायर करना है गाइस. जो है ये लाइटर है, तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं इसको अगेन अगेन, जितने बार चाहे उतने बार आप इसको फिल कर सकते हैं. क्वालिटी गाइस बहुत ही बढ़िया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा. इसको आप जो है फोटोशूट में, शॉर्ट मूवीज वगैरह में जो यूज होती है, इसी पिस्टल को यूज किया जाता है. और आप भी चाहें तो यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है. और जो स्टैंड यहाँ पे मिलता है गाइस, स्टैंड कुछ इस तरह का है. यहाँ पे हमें इसे ऐसा लगाना है, और इसको लगाने के बाद जो है आप इसको ऐसे बहुत ही आराम से अपने घर में शो पीस वगैरह के लिए सजा के इसको रख सकते हैं गाइस. स्टैंड की क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है क्योंकि प्लास्टिक का है. तो गाइस ये था लाइटर पाइथन जो है 357 के लाइटर रिवॉल्वर थी. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. और आप अगर इसको बाय करना चाह रहे हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके बाय कर सकते हैं.